वहाँ पे भूत है, भूत 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 शिवरा भाग, भूत 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 शिवरा भाग, भूत। हे वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सारे के सारे जबरदस्त होंगे। तो कल जो मैंने व्लॉग डाला था, माय फर्स्ट व्लॉग, उस पे आप लोगों ने कितना जबरदस्त रिस्पांस दिया है, मुझे मजा आ गया भाई वो चीज देख के। मतलब पहली तारीख को व्लॉग डाला और उस पे स्टार्टिंग के पहले दो घंटे में ही इतना अच्छा सा रिस्पांस मिल गया था, तो उससे मैं खुश हो गया। तो अभी मैं सो के उठा हूँ और आज के दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज हमें मिला है आलू के पराठे, चाय और घर का मक्खन। वाह यार, घर का मक्खन मिला यार, घर का मक्खन मिल जाए। और यहाँ पे शिप्रा और ले आई आलू के पराठे, घर का मक्खन मिल जाए और आलू के पराठे और चाय मिल जाए यार, दिन तो स्वाद बन जाता, पूरा स्वाद हो जाता है दिन का। तो चलो फिलहाल सबसे पहले मैं अपने आलू के पराठे वगैरह खा लेता हूँ और फिर उसके बाद इस व्लॉग को शुरू करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। तो अभी शिप्रा और मैं आए हुए हैं अपने घर के बगल वाले घर में। ये हमारे कर्नल अंकल का घर है, जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो इस वाले एरिया में हम लोग खेलने आते थे। और यहाँ पे खेलने आने का मेन रीज़न था ये, यहाँ पे ये देख रहे हो ना झूला लगा हुआ है, ये झूला था मेन रीज़न यहाँ पे खेलने का। तो हम पूरे गांव के सारे लड़के बच्चे जो भी होते थे ना यहाँ पे आ जाते थे और फिर ये झूला झूलते थे। और जैसे ये एरिया बना हुआ है ना, ये मतलब ग्राउंड टाइप पार्क टाइप बना हुआ है, तो इसमें हम लोग खेलते थे। तो ये हमारा बचपन का झूला है, देखो यार ये पूरा इसमें हम खेलते थे। क्या यार, पूरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पापा भी आ गए यहाँ पे हमारी देखम देखी, हमें देखने आया, सही है, चलो रहा नहीं जाता। ठीक है, बच्चे गायब हो जाएं आंखों के सामने से, भागे आएंगे देखने के लिए कहाँ चले गए कहाँ चले गए। अभी शिप्रा और मैं जा रहे हैं खेत में बथुआ लेने के लिए, ऑलमोस्ट खेत में पहुंच ही चुके हैं। उस दिन तो मिला नहीं था ना हम लोगों को बथुआ, तो आज फिर आए हैं यहाँ पे बथुआ लेने के लिए। और मटर भी देखो बड़ी बड़ी हो गई है, अगर पीछे दिखाई दे रही है तो। ये देखो महारानी की तरह बैठी हुई है बाइक में, मैंने इसको बोला कि ढंग से बैठ, लेकिन नहीं बैठ नहीं रही थी। अब देखो परेशान कर रही है बाइक, जो है ना टेढ़ी चल रही है टेढ़ी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधी चले, लेकिन जिस तरीके से बैठी है ना उसमें टेढ़ी टेढ़ी चल रही है बाइक, क्या यार। तो पहुंच गए खेत में, देख लो पता होगा यही है हमारा खेत यार, ये ऑफ रोडिंग यहाँ पे खतरनाक रहती है। तो पहुंच गए फाइनली, चल जल्दी जल्दी ढूंढ यार। अरे किस चीज की आवाज थी यहाँ से, सांप सूप तो नहीं है? देख देख हो रहा है क्या बथुआ, जा नीचे जा फिर नदी में। अंकल की होगी यार, बथुआ आज भी नहीं लग रहा है यार, यहाँ पे तो साफ सफाई हो रखी है। आज फिर हमारा पोपट कट गया, आज हम फिर आए बथुआ लेने के लिए और बथुआ नहीं है यहाँ पे, फिर से पोपट, मतलब तीन बार हो चुका है बथुआ लेने आ चुके हैं, तीनों बार हमारा पोपट कटा है, बथुआ मिलता ही नहीं हमें, अब क्या करें वापिस चले। ये देखो ये बेर के पेड़ है, जंगली बेर है, लेकिन बेर नहीं लग रहे हैं, हम खाते थे ना इसमें से बेर तोड़ तोड़ के बचपन में। देखो यार अभी एक भी बेर नहीं है, सीजन ही नहीं है शायद बेर का, इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे बेर। ये ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, जगह जगह नदी के हो जाते हैं ना ये जंगली पेड़। तो यहाँ तो फिर से आज हमारा पोपट कट गया, आज हमें फिर बथुआ नहीं मिला, तो हम वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले खेत में, अभी हम जा रहे हैं अपने बड़े वाले खेत में, तो आप लोगों को दिखाते हैं हमारा बड़े वाला खेत दिखाते हैं, वहाँ पे बथुआ लगा होगा तो वहाँ से लेके आएंगे। अरे वाह, अच्छे से खींची ना फोटो तूने, बढ़िया आया ना थंबनेल, सही है, चल बढ़िया। अरे बाप रे, अरे संभल के, अरे बच गया, अरे बच गया, अरे बच गया, अरे हालत खराब हो गई, पैर मुड़ गया था मेरा, बच गया। ओ वहां पे क्या है, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, चल 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 चल, वहां पे भूत है, भूत 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 शिवरा भाग, भूत 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 शिवरा भाग, भूत 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 भूत, डरती भी नहीं है, आ जा जल्दी पानी में, पैर डालने का मन है, चला जल्दी आ, चल अरे आना ऊपर, अरे वो भी आ गया नरसिंगा। तो ऑफ रोडिंग चल रही है हम लोगों की भाई, ओ अरे 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 मत कर, वहां पे जो आराम से आ जा, ए रास्ता ऐसा है, ऐसा रास्ता है देखो, पतला सा रास्ता है, उसमें टायर चलना चाहिए नहीं तो गिर जाएंगे हम लोग।
पहुंच गए। ये है हमारा इलाका। डंडा लेके कतई गांव वाली लग रही है। ओए मार दूंगा, बता रहा हूँ, मार वाला मत दियो। तो यहाँ पे भी एक झोपड़ी है, अंकल ने भी खाना बनाया शायद, लग रहा है मेरे को। और छोटी सी झोपड़ी है, वाह मस्त एकदम। तो हाँ, ये हमारा एक और खेत। ये पूरा 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 ये हम बोलते हैं बड़ा खेत है ये हमारा। यहाँ पे देखिए बथुआ लगा हुआ है क्या, ले या तो और छोटी छोटी वो है यार। अरे ये है ना बड़ी वाली मटर, यहाँ पे देख ये बथुआ है। अरे एक ही पीस बथुआ मिला क्या, और भी है हैं क्या अंकल? बथुआ है, जगह जगह है। अभी दवाई है इसमें? दवाई तो अब ना है, एक आध पेड़ लगे लगे दो चार। क्या करना है शिप्रा? देखे देख ले, एक दो तो पेड़ ऐसे काट काट के ज्यादा कर सकती है तो काट। ला डंडा दे दे। ये होता है बथुआ, इसके बनते हैं पराठे और पूरियां वगैरह, इसको खाया जाता है। देख लो यहाँ पे हो रहा है, देखो छोटा छोटा बथुआ, ये देख रहे हो ना, ये छोटा पीस ऐसे करके हम मुट्ठी भर के निकाल लेंगे और फिर उसके बाद कल खाएंगे बथुए की पूरियाँ। तो इतना सारा बथुआ मिल गया हम लोगों को। वहाँ शिप्रा लगी पड़ी है, वहाँ पे अंकल लगे पड़े हैं और मैं यहाँ पे लगा पड़ा हूँ। एक एक बीज को निकाल निकाल के यहाँ से बथुआ निकाल रहे हैं हम। वहाँ से करते 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 यहाँ पे आ गए आधे खेत में। अभी इतना हुआ है, कितना होगा ये, काफ़ी हो गया। थोड़ा सा और लेके फिर निकल लेते हैं यहाँ से। वहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया कवर कर दिया। चलो फाइनली इस वाले ब्लॉग में हम लोगों की नाक नहीं कटी है, नहीं तो पिछले दो तीन ब्लॉग से हमारी नाक कट रही थी, बथुआ मिल ही नहीं रहा था आप लोगों को दिखाने के लायक। तो फाइनली आज हम लोगों को बथुआ मिल ही गया इस वाले खेत में। बट बथुए को बोना नहीं पड़ता है। हाँ ये मटर हुई या कोई भी वेजिटेबल्स हुई, उनमें अपने आप ही उग जाता है। हाँ बथुआ ऐसा है ना, ये कुदरती है, ये अपने आप उग जाता है। घास ही बोल लो इसको, लेकिन खाने वाली घास होती है ये। तो चलो आज मिल गया, अब कल खाएंगे हम बथुए के पराठे। दिखाऊंगा सुबह, कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा होता है बथुआ। पूरियां बनेंगे इसकी, पहले तो इसको साफ किया जाएगा फिर बनेगी इसकी। इलाहाबाद शिवरा देख। बोल ले दे मेरे को। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। बड़ा मजा आ रहा है, चल रख देता हूँ। इसको देखो कहीं पे भी रुक रही है, कह रही है ये पहाड़ी सरसों मिल गया, पहाड़ी उखाड़ लेती हूँ, मम्मी को दूंगी वहाँ पे उगाएंगे। देखो कुछ पहाड़ी सरसों इसने फाड़ लिया। और अभी मेरे को ना ये रास्ता है मेन वहाँ पे ले जाने का रोड पे, तो मेरे को यहाँ से लेके आई है और कह रही है इधर से चलते हैं, यहाँ से दूसरा रास्ता है तो थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। तो यहाँ से पता नहीं कौन से रास्ते से मेरे को लेके जा रही है, नदी के किनारे किनारे से। चल जल्दी। अरे देख फिर से तोड़ने लग गई यार, तू एक काम करना सारी घास साफ कर दे, चल। मानती नहीं है, देख और भी लगे हुए हैं पहाड़ी सरसों। बड़े काम की चीज है ये, काम की चीज। साग में डाल ले मजा आता है। ये वाले देख ले कहीं जंगली हो, साग नहीं, साग जान के बता। साग में डाला और साग तुझे ही ले चले। स्मेल से बता दिया ना मैंने। अरे वाह भाई, डर लग रहा है। अरे मत कर यार, फोन वोन गिर जाएगा। हवा आ रही है, हवा, मुझे पक्का पता है कि इस वाले व्लॉग में हवा की साउंड ज्यादा आ रही होगी। ये देखो ये दूसरे वाले रास्ते पे लेके आ गई है मेरे को अब, और यहाँ पे बोल रही है बंदर मिलेंगे, अगर बंदर मिले तो ऐसा लग नहीं रहा, चांसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। चांसेस लगता ही तो नहीं है लेकिन फिर मिल जाते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग रोड पे मेन। कैसे कैसे निकले हैं, ये निकले पुलिया पे निकले हैं हम गाँव के। चलो बढ़िया। ओ पापा ये देखो बथुआ लेके आए कितना सारा, और इसमें जंगली सरसों भी है, पता नहीं क्या कह रही थी पहाड़ी सरसों। बथुआ थोड़ा ही है, नहीं नीचे बथुआ नीचे देखो ना, दवाई गिरा हुआ होगा। हाँ वो बोल रहे थे 3 दिन पहले गिरी हुई थी, लेकिन खा सकते हैं बोल रहे। नहीं खा सकते, बेकार हो गया सही में। सही में जहरीला हो जाता है। इतना सारा बथुए की मेहनत खराब करा दी। अरे रे ओ मम्मी यार देखो ना यार, इतना सारा बथुआ लाए, पापा कह रहे नहीं खाना ये। क्यों? 3 दिन पहले
दवाई छिड़की थी, वो कह रहे हैं खा सकते हो। कौन कह रहा? वो वहाँ अंकल थे। कौन से अंकल थे? क्या करना है, खा सकते नहीं खा सकते? बोलो खा सकते नहीं खा सकते? 3 दिन पहले दवाई छिड़की। तो यार बथुआ लाने वाली मेहनत तो बेकार हो गई। पापा तो कह रहे हैं दवाई गिरी हुई है, तो दवाई गिरी हुई वाला तो बथुआ खाते ही नहीं है, जहर होता है उसके अंदर। तो मेहनत तो बेकार ही हो गई यार आज हमारी। शिट यार। तो आई होप दोस्तों आपको आज का हमारा जो ये बथुआ स्पेशल व्लॉग था वो बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक जरूर कर दो यार, और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यार मैं रोज बोलता हूँ आप लोगों को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, या करते नहीं हो, देख के चले जाते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो हमारे चैनल को। मैं बार बार तब तक बोलता रहूँगा जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ 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 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, दोस्तों को सब्सक्राइब करवा, अपने आप भी सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है, आप लोग अगर वीडियो देखते हो ना प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, रीच अच्छा मिलता है ना इसलिए। तो प्लीज़ 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 हर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो यार, रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ कमेंट जरूर करो, कमेंट जरूर करो। और अभी जो है सनसेट हो रहा है, देखो सूरज आ चुका है अपना, नीचे जाने वाला है, और कितना प्यारा यहाँ पर हो रहा है। तो बस थोड़ी ही देर, मतलब 15 मिनट के अंदर सूरज पूरा नीचे चले जाएगा और सनसेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट शाम हो ही गई है ना, फिर हम लोग डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, फिर कल से नया व्लॉग मिलेगा आप लोगों को। देखो ऊपर क्यों गया है, नीचे कर, अपने आप को दिखा, नीचे कर। देखो हाँ।